नजर में तो गलत है। वो तो यही चाहते ना कि जनता में गरीबी और दंगे फसाद होते रहे ताकि वो उनकी हमदर्दी हासिल कर सकें और उनकी हमदर्दी के सारे सत्ता हासिल कर सकें। लेकिन एक बार अगर उनके हाथ में सत्ता आ गई फिर उन्हें जनता से किए हुए वादे याद नहीं रहते। उन्हें याद रहते तो केवल विदेशों में अपने अकाउंट नंबर जिनमें वो जनता से जुटा हुआ सारा का सारा पैसा जमा कराते रहते हैं। कैसी बदनसीबी है इस देश की, पहले विदेशी राजाओं का गुलाम बना, फिर अंग्रेजों का, और अपने ही बनाए हुए घटिया नेताओं की गुलामी कर रहा है। अंग्रेजों ने 200 सालों में केवल 1,00,000 करोड़ रुपए लूटा था, लेकिन हमारे अपने ही बनाए हुए घटिया नेताओं ने केवल 64 सालों में 280,00,000 करोड़ रुपए लूट लिया है, जो कि इस देश का पैसा है, जनता का पैसा है। बस बहुत हुआ, अब हम इनकी किसी भी घटिया चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। हम जिताएंगे तो सिर्फ मोदी को, मोदी इज बेस्ट। ये मोदी नहीं मौका है दोस्तों। तुम्हारे जैसे देश के सभी नौजवान यही सोचते हैं कि 15-20 हजार की नौकरी मिल जाए, एक सुंदर सी लड़की शादी करने को मिल जाए, पर बस बुढ़ापे तक रुपया रुपया जमा करके शहर के बाहर आधा एकड़ जमीन खरीद लेंगे, वहाँ 700-800 स्क्वायर फीट का एक घर बनाएंगे और घर पे पीला पेंट होगा, सामने गार्डन होगा और गार्डन में जी चेयर पर बैठकर अखबार पढ़ते हुए अपनी बीबी से कहेंगे, डार्लिंग मोदी ने इस देश को खत्म कर दिया। अरे जा, किसी को हक नहीं दिया मोदी जी को गाली देने का, क्योंकि जब संघर्ष करने का टाइम आता तुम लोग बीबी बीबी बेटा बेटा करके घर में बैठ जाते। तुम्हारी तरह मोदी जी बैठ गए होते घर में बीबी बीबी बेटा बेटा करते हुए तो तुम आज भी भ्रष्टाचार के नेताओं से काला धन नहीं छुटा पाते। साला एक रेशम का कीड़ा भी मरने से पहले अपने थूक से अपना नाम रोशन कर देने वाले रेशम को देकर मरता है। हम तो फिर भी इंसान है, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो, क्योंकि बलि तो बकरी की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो शेर, अब नहीं चलेगी भ्रष्टाचार और पाप की, क्योंकि इंडिया नहीं है किसी के बाप की।